रहे हो कितने लेट सो के उठ रही है। वहाँ देखो 9 बज गए, नाश्ता भी बना दिया है, आराम सो के उठ रही है। अब उठ रही है सो के, झूठ बोलती नहीं बोल रही, सच बोल रही हो। तो दिखा दे किचन में, सर दिखाऊंगी अभी, रुक जा बताऊंगी। अभी दिखा तो हम सो के घनघोर निंद्रा में थी, घनघोर नींद आ रही थी तुझे, कुछ नहीं पता तुझे। टाइम देख रही क्या हो रहा है, तो तेरा बिस्तर यहाँ क्यों पड़ा हुआ अभी तक, वरना मैं तो इसको छत में सुखा देती। मैं नहीं सो रही थी, मैं तो कब से उठी हुई थी। तेरे को मैंने क्या खड़ा है जब पानी देख क्या। गुड मॉर्निंग तो बोल दे दोस्तों को देख। गुड मॉर्निंग भाई आ चुका है जिम से मेरे, और फोन चलाने लग गया आते ही। माता श्री को दे दिया है पानी पीने के लिए। ये नेल पेंट निकाल देना, दूसरी नेल पेंट लगा दे, ठीक है, अच्छी नहीं लग रही है। बस फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ छत में, ये कपड़े सुखाने जो कि कल के धोए हुए हैं, तो इनको रखते हैं अभी। तो कपड़े भी रख दिए मैंने सुखाने, और इधर साइड नहीं रख रही हूँ क्योंकि कल रात बारिश हुई होगी तो पानी पानी हो रखा है, इसलिए कपड़े नीचे गिर जाएंगे क्योंकि इनमें चिमटे नहीं हैं। इधर देख सकते हैं आप, लोग सुबह सुबह आ गए हैं खेत में काम करने। बाकी मौसम देखिए आप, आज का मौसम तो काफ़ी सही है, बस वही है गर्मी थोड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, पर लेकिन बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा हो गया है। बहुत सारे काम रुके पड़े थे, जैसे कपड़े सूख नहीं रहे थे। अभी मुझे हुआ ये पार्सल रिसीव, ये क्या है, ये लव लेटर। लव लेटर है, लव लेटर किसने भेजा होगा, ये सच में लव लेटर है क्या, है मम्मी सच में लव लेटर है पता नहीं क्या है ये, पार्सल है। सॉरी सॉरी सॉरी, लव लेटर है, लव लेटर है हमारा, लव लेटर चाहिए वो, ये मैं कलर राखी है। हाँ राखी तो है, खोल उसको। पसार का पता नहीं, तो अंदर देख ले। फाड़ है, इतनी सारी क्यों दी उसने, तो तेले तेले थोड़ी है भैया, और के लिए भी तो होगी। अर्जुन भैया, अर्जुन वो नहीं है, भाई हो गया, भाई हो गया, और अनिका, अनिका नहीं क्या बोलता है वो, अज्जू भैया संजू भैया नहीं है, एक मैं, एक अर्जुन, एक अर्जुन भैया, एक संजू भैया, एक अर्जुन भैया, भाई भाई सस्ती नहीं क्या। मिठाई नहीं भेजी अब, मिठाई क्यों नहीं भेजी वो। और वो कह रहा था कि जिसने तुम्हें ये भेजा है ना, सवाल ला के फूबू हाँ उन्होंने, तो मेरी बुआ आ रही है। अच्छा मंडी लग रही है बेबी, अच्छा खा। तो मेरी सिस्टर ने भेजी है ये राखियाँ भाई के लिए, क्योंकि वो आ नहीं सकती है, उसका भी अभी बेबी हुआ है तो उसको लेके आ नहीं पाएगी, और शायद उसके बाद अभी
नेक्स्ट मंथ तक या उसके बाद ही आ सकती है, 1-2 महीने बाद आएगी वो यहाँ। मम्मी मम्मी तक को कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई राखी देख के। खुशी हुई? और ऐसे ही प्रेम भाव बना रहे भाई बहनों का। और लड़ाई? लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं करते हम। लड़ाई तो करते हैं पर हमने करना लड़ाई होती हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई तो होती है पर लड़ाई भी करनी जरूरी है मम्मी। आप ही लोग बताओ यार, भाई बहन है तो उस घर में होनी चाहिए यार लड़ाई, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए, क्योंकि फिर घर घर नहीं रहता ना, मजा नहीं आता, सब ऐसे मुंह करके बैठ रहेंगे। फिर जब लड़ाई होगी, थोड़ा हल्की फुल्की लड़ाई होगी, फिर मनाओ, फिर वो चीज़ें होती रहनी चाहिए। ये चीज़ें तो बाद में जाके याद आती है कि हम कितना लड़ते थे या हम कितना कुछ करते थे, तो ये चीज़ें ही बाद में याद आती हैं। मेरे हिसाब से तो हर चीज़ होनी चाहिए, लड़ाई भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, झगड़ा भी होना चाहिए और बातचीत भी बंद होनी चाहिए हल्की फुल्की, ताकि एक दूसरे को मनाएं और रूठें। ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए और मेरी तो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा देखो कितना आराम से सो रही है, टाइम देखो। दिन के 12 बज रहे हैं। यहाँ देखो उड़ गई। सो जा सो जा। क्या हुआ, उठी क्यों? देख सकते हैं अभी पानी आया है, लेकिन पानी इतना ही आता है यहाँ, और इतना पानी ये छत पे चढ़ेगा, वो भी मोटर से लगा के। तो मोटर चला के भी इतना सब इतना पानी आ रहा है, अगर मोटर बंद कर देंगे तो पानी ही नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो फिलहाल पानी भरते हैं। तो जब तक वो बाल्टी भरती है तो उसे लगा के रखा हुआ था, उसके बाद जो बोतलें रह जाती हैं, जो थोड़ा बहुत पानी भरना है उनमें, मतलब थोड़ा बहुत जो बोतलें रह जाती हैं उनमें ही पानी भरना है, तो बाल्टी भरती है तब उसके बाद बोतलें भी भर देंगे। लेकिन पानी से एक चीज़ समझ में आता है कि अगर पानी ना हो ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड इसको देखना, देख रहे हो, देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो पबजी खेलते ना, मुझे उनसे सख्त नफरत है, इसलिए कोई भी पबजी ना खेले। जो भी मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं वो पबजी ना खेले कृपया कर, है ना मम्मी? पबजी क्या है? बेकार चीज है। बेकार चीज है ना? हाँ, सच्चा पढ़ाई करो अपने। वही तो। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मैंने वो सूट दिया था और वहीं से वापस आ जाऊँगी, क्योंकि कल ही लेके आएंगे, कल संडे भी है तो भाई कहीं जाएगा नहीं, तो फिर स्कूटी हमारे पास ही रहेगी, तो हम कल लेके आ जाएंगे सब्जी वगैरह भी। और अभी मैं चलती हूँ मार्केट के लिए, और पानी भी आ रहा है, और टी शर्ट मैंने अभी चेंज करी है, क्योंकि मार्केट जाना है तो वही टी शर्ट पहन के नहीं जा सकती ना, सुबह से काम कर रहे हो ऊपर से फिर उसी टी शर्ट में मार्केट जाना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है। बाकी चलते हैं अब और वो कुर्ती लेके आते हैं, ठीक है मम्मी? बाय बाय बाय, थैंक यू बोल रही है, थैंक यू। आपको बाय नहीं बोला है, आप लोगों को तो मेरे साथ चलना है, है ना? ये लोग तो मेरे साथ, मैं नहीं खोल रही भाई, दिन भर तुम्हारा पंखा चल रहा है क्या है? बाहर चले जाओ, बाहर शुद्ध हवा में बैठो। अभी तेरे को नहीं बैठा सकते ना, अकेले नहीं बैठा सकती मैं तुझे। ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद, अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो फ्रेंड आधे तक तो मैं पहुंच चुकी हूँ और मैं लेके आई हूँ साथ में ये डंडा, क्योंकि रास्ता दे सकते हैं आप। तो ये वो रास्ता है जहाँ से मैं आई हूँ, जो कि पूरी झाड़ियों से घिरी है, इसलिए मैंने डंडा लिया है। ये मैंने नहीं लिया है, ये मुझे दिया है, हमारी पड़ोस में रहती हैं एक आंटी, उन्होंने दिया है। तो यहाँ पे इतना बड़ा पक्षी आ रखा ना, आवाज़ आ रही होगी आपको, पेड़ों में छेद करती है जो चिड़िया, उस चिड़िया का नाम तो नहीं पता है मुझे, पर लेकिन इधर का माहौल देख सकते हैं आप, बहुत ही शांत और बहुत। तो फ्रेंड आ चुकी हूँ मैं, वो भी खाली हाथ, क्योंकि अंकल जी ने अभी तक वो सूट तैयारी नहीं किया है, मतलब फिटिंग ही नहीं करी है, फिर उन्होंने मुझे कल दोबारा बुलाया है। तो आज तो मैंने
नंबर लेके आ रखी हूँ क्योंकि फिर मैं ऐसे ही जाऊँगी, फिर खाली हाथ वापस लौटूंगी तो अच्छा नहीं लगता रोज़ रोज और निराश हताश होके फिर मेरे को खाली हाथ लौटना ही पड़ा। और रात हो गई है कि चांद भी सर पे नज़र आ रहा है, कितना प्यारा लग रहा है देखो ये नज़ारे यहाँ के, और साथ में ऊपर चांद। ये देखिए रास्ते, रास्ते देख सकते हैं आप। तो मैं ये डंडा है, डंडे के सहारे से चलती हूँ। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं तक था, और इससे पहले मैं आपको बाहर के नज़ारे दिखा देती हूँ। मतलब चांद आज बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसे तो आधा आ रखा है लेकिन अच्छा लग रहा है, बादलों में है तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो बाहर आके देखो कितना प्यारा लग रहा है चांद, चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। बोल देखो मेरे बोलने की देर थी, चांद छुप गया। तो जैसे मैं गाना गा रही थी चांद छुपा बादल में, तो वो छुप गया और मैं मम्मी को बताने आई अंदर कि मम्मी मैं तो गाना ही गा रही थी, वो तो हल्की हल्की आवाज़ आएगी आपको क्योंकि मैं उस समय माइक लेके बाहर नहीं गई थी। तो यस मैं कह रही थी कि आज के ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, अगर ब्लॉग्स पसंद आ रहे थे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए सारे अपने। इस महाशय को देखो ये भी आ रहा है सोने के लिए, भाग गया।